जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले शिवरी नारायण तहसील के कोटवार द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें वादा निभाओ के नारे लगाते हुए हड़ताल पर बैठे हैं। कोटवारों ने बताया, प्रदेश सरकार द्वारा कोटवार के वेतन वृद्धि बढ़ाने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, जिसके चलते उन्हें धरने पर बैठना पड़ा है। कोटवारों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 23 फरवरी 2019 में पाटन सम्मेलन में की गई घोषणा वादों को पूरा करने की मांग प्रदेश स्तर पर कोटवारों ने की है। 4 साल बीत गए, अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसमें कोटवारों के वेतन वृद्धि, जमीन और कोटवारों के हित में कई वादा किया गया था, लेकिन आज तक इसे पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में वादा निभाओ रैली निकालकर धरना प्रदर्शन करते हुए दोपहर 12 बजे नेहरू गार्डन के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कोटवार संघ द्वारा किया गया। कोटवारों ने बताया कि वेतन काफी कम होने से जीवन यापन करने से काफी दिक्कत आने लगी है। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए सरकार को हमारी ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार के द्वारा जो वादा है मुझे पूरा करना चाहिए। यदि वादा पूरा नहीं होता है तो ब्लॉक स्तर से जिला स्तर से संभाग एवं राज्य लड़ाई लड़ने को हम तैयार हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोटवारों के साथ किए अपने वादों को कब पूरा करते हैं, या फिर कोटवार भी अब भूपेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़क पर अपना हक मांगने के लिए सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। शिवरी नारायण से शुभम मिश्रा की रिपोर्ट।